वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के मोमेंट ऑफ मदरहुड की सेशन में। हम सबके साथ हैं डॉक्टर सुमिता अरोड़ा। डॉक्टर सुमिता इज ए रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन इन लखनऊ, एंड मैम हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 24 इयर्स इन दिस मेडिकल फील्ड। शी हैज बीन अवार्डेड एंड ऑर्गेनाइज्ड अ सक्सेसफुल लैप्रोस्कोपी वर्कशॉप एज एन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एट विवेकानंद हॉस्पिटल 2009। शी हैज बीन अवार्डेड डिप्लोमा इन एमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर बाई द सोसाइटी ऑफ ऑप्स एंड गायनेक कैनेडा एट द अलार्म इंटरनेशनल प्रोग्राम 2004। मैम हैज बीन द यंग ऑथर अवार्ड फॉर द बेस्ट पेपर पब्लिश फॉर द ईयर 2002 बाई द जर्नल ऑफ ऑप्स एंड गायनेक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो ओवर टू यू मैम, एंड वी ऑल आर ईगर टू हियर यू। I thank all of you who have joined us here in this webinar, which we are conducting on a monthly basis almost. I welcome all the delegates who have joined us. In the past, we have done a few webinars with experts in the field of infertility and told them how we manage infertility and how they can deal with the problem of infertility. हमने प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे वेबिनार करे, जिसमें ये स्पेशली हम लोगों ने कोविड के समय पे किया था, बिकॉज उस समय बहुत स्ट्रेस लेवल हाई था लोगों का, और घर बैठे बैठे हम उनको बता पाते थे कि आपको किस तरीके से रिलैक्सेशन टेक्निक्स करनी है, कैसे आपको मेडिटेशन करना है, जिससे आपके बच्चे पर एक गुड इफेक्ट हो एंड यू कैन डील विद ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच वन फेसेस एंड दे कुड नॉट इवन कम टू अस for their monthly visits or fortnightly visits. So we have told them in the past about these things and how to deal with all the stress and anxiety levels. So today we will be talking about exercises in pregnancy. I will tell you, we would tell you in fact, that how we should exercise in pregnancy, hame kaise pregnancy mein exercise karni hai, क्या प्रेगनेंसी की एक्सरसाइजेस के एडवांटेजेस होते हैं, जो लोग पहले से एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं वो भी प्रेगनेंसी में शुरू कर सकते हैं उन एक्सरसाइजेस को, और जो लोग पहले से करते हैं उनको अपना एक्सरसाइज का लेवल कितना उतना ही रखना है या कुछ थोड़ा कम करना है, कब उनको छोड़ देना है, कब उनको कम कर देनी है एक्सरसाइजेस, कौन सी एक्सरसाइजेस जो वो पहले करते थे वो उनको अवॉइड करनी है, उनको हम लोग कुछ टिप्स देंगे कि वो कैसे कर सकते हैं, जो पहली बार शुरू कर रहे हैं, जो पहले भी करते थे अब वो और करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, और हम ये भी बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेस उनके लिए अच्छी हैं जिससे उनका ये प्रेगनेंसी के जो 9 महीने हैं, 8 महीने, 7 महीने या कुछ किसी किसी का अब सिर्फ 3 ही महीना बचा होगा डिलीवरी तक का, तो वो कैसे उस सफर को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है, एक और मैं चीज बताना चाहूंगी आपको कि हम लोगों ने कोविड में तो हम लोग नहीं क्लासेस कर पाए यहाँ पे बुला के पेशेंट्स को, लेकिन हम लोग पहले भी करते रहे हैं और अब हम उसको थोड़ा सा लेवल अप करना चाह रहे हैं, तो हमने उस लेवल को अप करने की कोशिश करी है। हमने कुछ एक सेपरेट फिजियोथेरेपी यूनिट अब हमारे पास है और उसमें हम एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में, बिना प्रेगनेंसी के एक्सरसाइजेस, वेट रिडक्शन की एक्सरसाइजेस, प्रेगनेंसी की योगा क्लासेस, प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए हमारे पास, वी हैव अ टीम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एंड योगा टीचर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट टुडे इन दिस वेबिनार आल्सो, आफ्टर माय स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑन एक्सरसाइजेस एंड इट्स एडवांटेजेस इन प्रेगनेंसी, वी वुड बी हैविंग विद अस डॉक्टर गीता सूरी शर्मा। शी इज अ वेरी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड ट्रेनर हु स्पेशलाइजेस इन दिस फील्ड, एंड शी हैज जॉइंड अस टुडे एंड शी विल टेल अस हाउ वी कैन प्रिवेंट बैकएक, एंड दिस बैकएक वी हैव सिलेक्टेड बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, most problematic thing which each and every woman who is pregnant is facing during this pregnancy, during her pregnancy, and we will tell them ki kaise usko prevent karna hai aur usko kaise agar ho jata hai to manage karna hai. To humne iske liye kuch apni classes bhi design kari hain jo ki ab covid kyunki kam ho raha hai to hum kuch is tarike se aap log ki bhi salah lekar hum log to thoda sa usko aur improvise karenge. जैसे कि अभी हमने सोचा है कि हम एंटीनेटल पेशेंट्स यानी कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए हफ्ते में एक रखें, हम लोग उसको सैटरडे इवनिंग भी विल कीप एंड संडे मॉर्निंग भी विल कीप। किसी किसी को सैटरडे कन्वीनियंट होता है, किसी किसी को संडे कन्वीनियंट होता है, क्योंकि लेडीज के साथ फिर समबडी हैज टू कम पिक देम फ्रॉम द होम एंड ड्रॉप हर इन द हॉस्पिटल, वेट फॉर 1 आवर 2 आवर्स एंड देन टेक हर बैक, सो शी नीड्स समबडी टू कैरी हर।
तो सैटरडे संडे को आपके लिए हो सकता है, आप सैटरडे भी बैच चलेगा, संडे भी बैच चलेगा, आप वीकली आ सकते हो। प्रेगनेंसी शुरू के जब से आपको पता लगा तब से आप शुरू कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम रहेगा। और उसके अलावा जो कुछ मेरे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं जिनका प्रेगनेंसी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो लोग वेट उनका थोड़ा ज्यादा है, दवाइयां कम असर कर रही हैं, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो उनके लिए भी एक वेट रिडक्शन हम लोग करेंगे। वो हम लोग डेली बेसिस पे करेंगे क्योंकि उनमें थोड़ा सा रिगरस एक्सरसाइज प्रोग्राम की जरूरत है और वो रिगरस एक्सरसाइज प्रोग्राम डेली आने के अलावा नहीं पॉसिबल है। तो एक्सरसाइज क्लासेस फॉर ओबीज वुमेन एंड हु वांट टू रिड्यूस वेट एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी वी विल हैव ऑन अ डेली बेसिस। तो मॉर्निंग का हम एक टाइम सेट करे हैं तो उसके बारे में भी आप आके यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम लोगों से। Also a special thanks to LifeCell, they are a big name in stem cell banking. Thank you Vivek for helping us conduct this activity for all our patients. So, सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं why should we exercise at all? It is not for a pregnant lady, but exercise improves the mood. It boosts our energy. हमारे blood में circulation oxygen ज़्यादा होता है, heart and lung में ज़्यादा oxygen पहुँचती है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हमें नींद जल्दी आती है। ये हमारा मूड को डाइवर्ट करता है, माइंड को हमारा डाइवर्ट करता है। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर लेडी के हर पर्सन के दिमाग में रहती हैं उससे वो हमें डाइवर्ट करके, एक हमारा मूड डाइवर्ट होता है तो हमारा थॉट प्रोसेस हमारे चेंज होते हैं और हम थोड़े हैप्पी रहते हैं। हमारी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये हमारे शरीर में नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है जो वो स्किन सेल्स जिससे कि प्रोटेक्ट होते हैं। अगर हम जरा सी भी एक्सरसाइज करते हैं उस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स अ डे, इवन दैट विल हेल्प अस इन सम वे और द अदर। ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई दिन का कोई बहुत बड़ा एक घंटा निकालना है आपको फ्रॉम योर बिजी रूटीन। आप घर के सारे काम कर सकते हो और थोड़ा सा आप एक्सरसाइज के लिए, इवन इफ यू टेक आउट 10 मिनट्स फ्रॉम योर शेड्यूल, देन यू कैन डू वंडर्स विद योर प्रेगनेंसी एंड विद योर लाइफस्टाइल। तो द थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि अब हमें एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में क्यों करनी है। ये तो जनरल बात हुई कि हमें एक्सरसाइज करनी है, अब एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में क्या फायदा करेगी हमको, एडिशनल क्या बेनिफिट्स मिलेंगे टू अ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर सिजेरियन के चांसेस बढ़ना, ये प्रॉब्लम नहीं होती है, कम होते हैं इसके चांसेस हो जाते हैं। मैक्रोसोमिक बेबीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मैक्रोसोमिया मतलब कि हैवी वेट बच्चा, वो कम हो जाता है। एक हमारा मूड बूस्ट होता है और अगर एक हैप्पी मदर है तो 110% बेबी विल बी हैप्पी। व्हाट द मदर थिंक्स द बेबी थिंक्स, व्हाट द मदर फील्स द बेबी फील्स। इफ द मदर इज हैप्पी देन द बेबी इनसाइड हर एब्डोमेन इनसाइड हर वूम विल बी हैप्पी। तो ये क्या करता है, ये हमें इस तरीके से मदद करता है और हमारी इवन पोस्ट डिलीवरी जो हमारी हमारे को अपने नॉर्मल उसमें शेप में आना होता है वो अभी से अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो अननेसेसरीली हम वेट गेन नहीं करेंगे एंड दिस विल ब्रिंग अस बैक टू द नॉर्मल शेप एंड साइज एज सून एज वी हैव डिलीवर्ड। तो और दूसरा क्या फायदा होता है, डिप्रेशन कम करता है, जैसे मैंने बताया हमारा मूड को डाइवर्ट करता है तो डिप्रेशन कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, थोड़ा सा बेटर होता है। लो ब्लड प्रेशर का मतलब है थोड़ा हार्ट हेल्दी हो जाएगा, थोड़ा हार्ट फिट हो जाएगा, बैकएक का इंसिडेंस को लो करेगा, पेल्विक पेन को कम करेगा, टायर्डनेस को कम करेगा और हमारी स्लीप को इम्प्रूव करेगा। और हाँ, साथ ही साथ बहुत सारी प्रेग्नेंट वेमेन, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, तो इवन एक्सरसाइज अगर आप 15-20 मिनट 10 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं और एक अच्छी डाइट लेते हैं तो आपको 110% कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं और नहीं होगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे वजाइनल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वजाइनल डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिजेरियन होने के चांसेस कम हो जाते हैं और एक वजाइनल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे आज के उसमें सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है। कैसे करता है ये सब, इतना फायदा कैसे होता है? एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में कुछ ब्रेन केमिकल्स सीक्रेट होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं। दीज केमिकल्स आर वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। हमारे सिक्रीशन ऑफ एंडोर्फिन बढ़ता है, हमारा सेरोटोनिन बढ़ता है, नॉरएपिनेफ्रिन, ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन केमिकल्स कहे जाते हैं और ये हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में ज्यादा आते हैं
और हमारे एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करते हैं, रिलीव करते हैं हमको उससे। हमें एक रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन सेट करना है। कभी कभी होता है कि हमने दिन का टाइम सेट करा लेकिन वो दिन में नहीं हो पा रहा है हमसे, तो उसके बाद हमने शाम को कर लिया। लेकिन एक हमको एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना है, 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम, 20 मिनट सवेरे या 20 मिनट शाम, इस तरीके से आप उसको अपने शेड्यूल के हिसाब से मॉनिटर कर। घर में दिन में ज्यादा काम है, शाम को समय निकाल लीजिए, शाम को काम है तो दिन में समय निकाल सकते हैं। और यही एक तरीका है जो कि वुमेन हैप्पी फील कर सकती है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। एक वुमेन के हैप्पी फील करने की जरूरत भी इसी समय होती है, बिकॉज इन हर द फीटस इज ग्रोइंग। मदर हैप्पी होती है तो बच्चा भी हैप्पी होता है, उसकी नींद भी जो पड़ रही है तो ही वो हैप्पीनेस की पड़ेगी, तो पूरी बॉडी पर बच्चे के पॉजिटिव और पॉजिटिव इफेक्ट ही आता है। अब हम एक प्रेगनेंसी एक्सरसाइज रूटीन को स्टार्ट करना है हमको, तो कौन सा रूटीन हम स्टार्ट करें? हमें ऐसा रूटीन स्टार्ट करना है जो कि हमारे एक थोड़ा सा हार्ट रेट को बढ़ाए, और हमारी जो मसल्स में जो काउंट है हमारा ऑक्सीजन के फ्लो का, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें, तो मसल इंगेजमेंट बढ़े। यानी कि मसल इंगेजमेंट का मतलब है हमारी सारी बॉडी की मसल्स यूज हो, हमारी हैंड की मसल्स, हमारे आर्म्स की मसल, हमारे पैर की मसल, हमारे एब्डोमेन की मसल्स, हमारे लेग्स की मसल, जितनी मसल्स हम यूज कर सकते हैं अपने बॉडी की, वो हमें थोड़ा 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 थोड़े थोड़े एक्टिविटीज से, इवन लाइट एक्सरसाइजेस, लाइट वर्कआउट्स भी बहुत हेल्प करेंगे। कौन सी अच्छी एक्सरसाइज है? सबसे अच्छी एक्सरसाइज कही जाती है स्विमिंग। अगर आप स्विमिंग जानते हैं, बचपन में सीखी है, एडोलेसेंस में सीखी है, तो यू कैन डू स्विमिंग इवन इन प्रेगनेंसी। पूल अच्छा पसंद करना है जहां पे स्किन इन्फेक्शन का डाउट ना हो, और आपको स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि दिस विल नॉट कॉज एनी हार्म। कोई चोट नहीं लगेगी पेट पर, कहीं पे आप गिरेंगे नहीं। आप एक ट्रेनर के सामने स्विमिंग करिए इन अ पूल जो कि नीट एंड क्लीन है। अगर स्विमिंग पूल नहीं है या आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। इसमें तो कुछ की जरूरत भी नहीं है, आपको अकंपनिंग पर्सन की भी जरूरत नहीं है, यू कैन डू वॉकिंग। अगर थोड़ा सा उसको ब्रिस्क कर देंगे तो ब्रिस्क वॉकिंग विल हेल्प। थोड़ा बहुत जॉगिंग कर सकते हैं। जॉगिंग करने के लिए आपको बाहर घर से निकलना पड़ेगा, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए आप घर के टेरेस पे कर सकते हैं। योगा के लिए आपको घर से बिल्कुल निकलना ही नहीं पड़ेगा, आप अपने कमरे में, अपने होम की एटमॉस्फेयर में। किसी किसी के घर में रिस्ट्रिक्शन होती है कि ठीक है अब इतना महीना हो गया है, यू हैव डोंट हैव टू मूव आउट ऑफ द हाउस, तो आप घर में ही योगा कर लीजिए। एक बंद कमरे में, एक कमरा बंद करके उसमें आप अपना नॉर्मल एक म्यूजिक चला लीजिए, रिलैक्सेशन म्यूजिक चला लीजिए, और आप योगा करिए। डांस अगर आप पहले से करते रहे हैं तो थोड़ा बहुत डांस आप कर सकते हैं। आप लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप एक साइकिल पड़ी हो घर में स्टेशनरी वाली साइकिल, तो आप उस पर थोड़ा थोड़ा चला सकते हैं, धीरे धीरे करके अपनी स्पीड और अपना ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइजेस आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करा है, तो आप शुरू करिए 10 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से। उसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है जो कि हमने अभी डिस्कस करी है, और धीरे धीरे करके इसको 15 मिनट, 20 मिनट, और अल्टीमेटली इसको 30 मिनट्स तक आप पहुंचा सकते हैं। 30 मिनट्स तक आप जब हो जाएंगे तो एक आपका थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ेगा, और उस हार्ट रेट के बढ़ने को ही एक माना जाता है कि ये हमारा गोल है। और अगर हमने थोड़ा सा भी हार्ट रेट अपना बढ़ाया, तो उससे पॉजिटिव फीडबैक जो हमारी बॉडी में है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहे हैं, तो आपको कितनी करनी है एक्सरसाइज? आपको उसी लेवल पर, अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपके डॉक्टर ने, मैंने आपको मना नहीं करा है कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप उसी लेवल पर एक्सरसाइज करते रह सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इफ आई से दैट नो यू हैव लो बर्थ वेट, यू नीड मोर रेस्ट, या योर प्लेसेंटा इज डाउन, लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो यू डू नॉट हैव टू एक्सरसाइज, देन यू हैव टू रिड्यूस और इवन स्टॉप समटाइम्स। So that I would tell you in your daily and on monthly antenatal visits. So some tips from me, what has to be done? Start with small exercises. Try a daily small walk. आप घर से निकलिए, थोड़ा सा वॉक करिए, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए। पहले पास की दुकान से कुछ सामान लेने जाना है तो आप कहिए कि चलो मैं चली जाती हूँ, फिर थोड़ा सा और डिस्टेंस वाली वॉक कर लीजिए, फिर थोड़ा सा दूर वाली वॉक कर लीजिए, दूर वाली शॉप तक आप पैदल चल के चले जाइए। कहीं बीच में थके तो यू कैन गो एंड रेस्ट समवेयर। इफ यू हैव अ पार्क नियर बाय योर होम,
यू कैन गो ओवर देयर, यू वेयर अ कंफर्टेबल शू एंड गो ओवर देयर. तो आप थोड़ा थोड़े से शुरू करिए 10 to 15 minutes अ डे. उससे आपके ऑक्सीजनेशन जो मिलेगी, जो आपके शरीर में चेंजेस आपको मिलेंगे, तो आपको सिर्फ एक बार घर से निकलने की जरूरत है और जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो आपको फर्स्ट आउटिंग के बाद ही पता लगने लग जाएंगे. एक आप पार्टनर ढूंढ सकते हैं, अगर आपको अकंपनिंग पर्सन की जरूरत है तो आप अपने नेबरहुड फ्रेंड को ढूंढ सकते हैं. योर स्पाउस, योर हस्बैंड कैन गो विथ यू, योर अदर फैमिली, इफ हस्बैंड इज बिजी योर नेबरहुड फ्रेंड कैन गो विथ यू, या तुम्हारे घर में कोई और लेडी है, कोई और बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा है, तो उसके साथ आप जा सकते हो. इवन इफ यू आर इन एडवांस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी तो भी हम लोग मना नहीं करते हैं कि यू गो आउट, वेयर अ कंफर्टेबल शू एंड गो आउट. अगर हमारे हॉस्पिटल में जैसे योगा क्लास है या हमारी एक्सरसाइज क्लास है तो उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है. बहुत सारी क्लासेस हमारे यहाँ पे होती हैं जो कि हम लोग आपके वेलफेयर के लिए करते हैं, तो आप उनको बिल्कुल 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 अटेंड करें. दिस इज गोइंग टू गिव अ वेरी गुड एंड लास्टिंग इफेक्ट फॉर यू एंड योर लाइफ. हमें एक्सरसाइज करते समय लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनने हैं एंड गुड सपोर्ट इनर वेयर पहनना है. हमें गुड शूज लेने हैं, थोड़े से अच्छे शूज जो कि हमारे पैर को तंग ना करें. हमें एक फ्लैट सरफेस पे एक्सरसाइज करनी है. फ्लैट सरफेस पे एक्सरसाइज मतलब कि जिससे हमें गिरने का डर कम, क्योंकि कई बार एब्डोमेन टमी बड़ी होती है, दिखता नहीं है सामने, अंधेरे में नहीं जाना है. फ्लैट सरफेस पे सैर करनी है जिससे हमें चोट ना लगे, कुछ हम गिरे ना. हमें अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करना है. जब आप सैर करने लगेंगे तो ये जो आपको बेल्चिंग की प्रॉब्लम है, गैस बनती है, बर्पिंग होती है, ये खुद ब खुद चली जाएगी. जो आपको एसिडिटी की दवाइयां खानी पड़ती हैं, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे सामने आके कंप्लेन करते हैं गैस डॉक्टर बहुत बनती है, एसिड बहुत बनता है. तो जैसे आप वॉकिंग शुरू करेंगे ये सारी की सारी चीजें अपने आप दे विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस. एसिडिटी कम हो जाएगी, आपकी डाइट भूख बढ़ जाएगी, आपका खाना जो आप खाते हैं वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, यू विल फील हंग्री. और उसके साथ में अगर आपने अच्छी डाइट भी ले ली, हेल्दी डाइट, नॉट जंक फूड, नॉट ऑयली फूड, नो पूड़ी, नो पराठा, देन इट इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट. बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू हेल्प द बेबी एंड योर प्रेगनेंसी अलॉट. 300 calories तो हमारी वैसे ही बढ़ती है प्रेगनेंसी में. उसके साथ में जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके हिसाब का भी, वर्कआउट के हिसाब से भी, हमें एक्सरसाइज के हिसाब से हमको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना पड़ता है. आप जब यहाँ आएंगे तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन उस क्लास में जो आप जिसमें आप एनरोल करना चाह रहे हैं प्रेगनेंसी इन एक्सरसाइज में, हम लोग आपको डाइटिशियन से भी एडवाइस दिलाएंगे कि कितना आपको खाना है और आपको प्रेगनेंसी में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं कौन सी करते हैं और कितनी देर करते हैं, उसके हिसाब से हम आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा इंक्रीज करके हेल्दी डाइट के ऑप्शंस आपको बता सकते हैं. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमको एक घंटा पहले वी हैव टू फिनिश आवर मील्स. पानी बिफोर द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड आफ्टर द एक्सरसाइज हैज टू बी इंक्रीज्ड अलॉट. ड्यूरिंग वर्कआउट वी हैव टू ड्रिंक वाटर वंस, twice, thrice, many, many times. Get up slowly. अगर हम floor exercise कर रहे हैं तो हमको धीरे धीरे करके उठना है, जिससे कि हमको floor में बैठ के, हम योगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको उठते से एकदम कभी कभी dizziness सी लगती है. क्यों होता है? वो orthostatic hypotension कहते हैं कि वो हम उठे तो थोड़ा सा BP physically down हो, फिर हमारी body ने cover कर लिया, तो हमको थोड़ा थोड़ा उठना है. यानी कि floor में बैठ के कर रहे हैं तो हम उसके बाद chair पे बैठ जाएंगे और चेयर से उठ के फिर हम खड़े हो जाएंगे. थोड़ा पैरों को हम मूव कर लेंगे पहले, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन वापस हमारे बॉडी में चलना शुरू हो जाएगा और फिर हम ऊपर उठ जाएंगे. तो ये जो अचानक से डिजीनेस लगी नीचे बैठ के उठे वो नहीं होगा. और हमें एग्जॉशन तक नहीं करना है. कुछ लोग बहुत एंथुजियास्टिकली शुरू कर सकते हैं, तो उनको भी मैं ये बता दूं कि हमें पॉइंट ऑफ एग्जॉशन को रीच नहीं करना है. वी शुड धीरे धीरे इंक्रीज करना है आर एक्सरसाइज लेवल एंड हमको एग्जॉशन से पहले बंद कर देनी है अपनी एक्सरसाइज. और अगर हम अच्छा खा के बैठेंगे, एक घंटा पहले हम खाएंगे, थोड़ा बहुत मीठा भी लेंगे, तो हमको ये प्रॉब्लम्स कभी और कभी भी नहीं आएंगे. उसके बाद हमें अपनी बॉडी को सुनना है. हमें एक्सरसाइज कब बंद कर देनी है, हमारे डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे और वो आपसे कहेंगे कि मेरे को वजाइनल ब्लीडिंग हुई, स्पॉटिंग हुई, तो मैं अपने आप बंद कर दूंगी.
आपको डिजीनेस लगेगा, हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, कोई ऐसी दवाई तो नहीं चल रही, जैसे कभी कभी प्रोजेस्ट्रॉन से डिजीनेस लगती है वो हम बंद कर सकते हैं, हेडेक हो रहा है इसका मतलब है कि हो सकता है बीपी हाई हो रहा हो, तो हमें कभी कभी एक्सरसाइज आपको कम करा देंगे या चेंज करा देंगे। अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लग रही है या आपको चेस्ट पेन हो रहा है या आपके कंट्रैक्शन होने लग गए हैं या काफ पेन हो रहा है नी एंकल्स एंकल से ऊपर नी से नीचे, तो हम लोग टेस्ट कर लेंगे और फिर हम आपको कम करा देंगे। अगर मसल वीकनेस लग रही है तो हम चेक कर लेंगे, मतलब बहुत इजी है। अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको हमसे पूछ के ही एक्सरसाइज शुरू करनी है। जब भी आप आए प्रेगनेंसी के विजिट्स में, व्हेन यू कम टू मी, प्लीज राइट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच हैव कम टू योर माइंड इन द लास्ट 1 month व्हेन यू हैव नॉट विजिटेड मी, एंड आई विल आंसर ईच एंड एवरीथिंग। ओनली व्हेन आई एम वेरी बिजी, जब नहीं होगा तो भी मैं कोशिश करूंगी आपको बहुत ही आराम से बताने की। तो आप ये सब चीजें हम लोगों से जब आप आते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पैड और अ पेपर, एंड यू कैन मेक पॉइंट्स नोट्स एंड देन यू कैन कम एंड आस्क मी व्हाटएवर इज इन योर माइंड। सो दिस वाज इन शॉर्ट व्हाई वी शुड एक्सरसाइज, एंड नाउ वी विल लुक इनटू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम व्हिच अ प्रेग्नेंट लेडी कंप्लेन्स रिगार्डिंग हर पोस्चर रिगार्डिंग हर फिटनेस लेवल, दैट इज बैकिंग। Backache is a problem which almost 80% of my pregnant women face at some point of the time in their pregnancy. So today, for the first physiotherapy class which we have conducted, we would be discussing on backache in pregnancy, and we have with us Dr. Geeta. She is a senior member of our physiotherapy team, and she is a very good person. She will help you in all your problems once you attend her classes and all. So ये आपको जो pregnancy वाला period है आपका pain free, happy और इससे जो है आपको फायदा मिलेगा, तो आप उससे सुन सकते हैं and she will tell you how she can help her you in preventing and managing your backache. And one thing more, that whatever question comes in your mind, you can just keep on putting them in the question answer box, which you must be seeing on your screen. And we will take all the questions one by one when we finish both the talks, like I have taken, and whatever questions you have, we will take after Dr. Geeta talks about backache in pregnancy. So you just keep on noting them. We will answer each and every query of yours. Okay. So I welcome Geeta. You can take your portion now. Ma'am, I think Dr. Geeta disconnect ho gaye. She's joining in a minute. Okay. So do we have some questions? Yes, ma'am. Chat box mein we have some questions. Okay. Chat mein we have some questions. Okay. Yes. COVID immunity booster foods during pregnancy, ma'am. Okay. So okay, we have very many questions. So I would take this last question who has been asked by Ashi. So Ashi, COVID immunity booster foods is a good diet to begin with. सबसे पहले तो एक अच्छी डाइट, मैं आपको कोई दवाई नहीं बोलूंगी, आई विल टेल यू ओनली टू टेक एंड टेक गुड फूड। गुड फूड से मतलब है हम ग्रीन्स बहुत खाएं, हम फ्रूट्स बहुत लें, और उसके साथ हम लोग जो है विटामिन सी, मैं अक्सर प्रिस्क्रिप्शन में आजकल लिखने लग गई हूँ, विटामिन डी आई हैव बीन एडवाइजिंग टू ऑल माय पेशेंट्स इन दिस कोविड टाइम। सो विटामिन सी विटामिन डी तो आजकल हर व्हाट्सएप पे भी है, तो आई एम ऑल्सो राइटिंग, और बाकी मेरी तरफ से इफ यू आर टेकिंग द प्रोटीन पाउडर विच आई एम गिविंग यू, इफ यू आर टेकिंग द बिस्किट्स विच आई प्रिस्क्राइब, इफ यू आर टेकिंग आयरन एंड कैल्शियम, इफ यू आर हेल्दी, तो दैट इज द बेस्ट इम्यूनिटी बिल्डर विच वी हैव, which we can take in our pregnancy. So this is regarding your booster foods. And whatever foods are available, whatever medicines are available in the market by Organic India and by Patanjali and everything like this, I would recommend that we should not take in pregnancy, because abhi iska koi role humko pregnancy mein नहीं पता है, तो हम अपने नॉर्मल चीजों से ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो बेटर है, हमारी इम्यूनिटी अच्छा खाने से ही जो है बेटर रहेगी। सो दिस इज रिगार्डिंग योर क्वेश्चन। सो
राखी सिंह हैज आस्क्ड मी, मैम कोविड के इस टाइम में इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए डाइट सजेस्ट कीजिए प्रेगनेंसी के लिए. ओके, सो डाइट का हम लोग अगला वी आर टेकिंग ऑन डाइट इटसेल्फ इन प्रेगनेंसी. लास्ट टाइम हम लोगों ने डाइट इन पीसीओ लिया था फॉर ओबीज वुमेन, तो नेक्स्ट मैं डाइट इन प्रेगनेंसी ही लेने वाली हूँ. तो प्लीज ज्वाइन द इंस्टाग्राम अकाउंट, फॉलो द इंस्टाग्राम अकाउंट, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ओवर देयर. और हम लोग कोशिश करते हैं कि फोन पे भी आपको बताएं, लेकिन बेटर है कि आपको अपने आप पता लग जाए और आप अपने आप ही करें. अगर नहीं पहुंच पाता फोन किसी वजह से, तो आप डाइट के लिए जैसा मैंने बताया अभी आशी को भी, तो यू कैन टेक ग्रीन्स एंड यू कैन टेक मोर ऑफ फ्रूट्स. ऑयली फूड ना लें, मिल्क लें जरूर 2 ग्लास डिनर में, और जितना नेचुरल चीजें लेंगे और अच्छे से वॉश करके बाहर से जो आ रहा है इस समय, वो वैसे भी जरूरी था और अभी तो वो और भी जरूरी है, कि यू यूज सम आजकल वेजिटेबल क्लीनर्स, फूड क्लीनर्स सॉल्यूशंस आते हैं मार्केट में, और बहुत सारी चीजें और भी आती हैं जो कि जैसे जीरो बी का आता है क्लीनर, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं. वरना अगर आप सब्जी को अच्छे से धो लें हैंड से, और उससे भी बहुत सारी चीजें, और कुक फूड में प्रॉब्लम्स कम है, तो कुक करके खाएं, और जो आप रॉ खा रहे हैं जैसे कि ग्रीन्स खा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से वॉश करें. इवन जैसे पत्ते खा रहे हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट भी जो पहले से हम लोग यूज करते आए हैं हमेशा से, यू कैन स्टिल यूज देम. ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन आंसर. नाउ प्रियंका हैज आस्क्ड मी, क्या डिप्रेशन एंड बीपी की प्रॉब्लम से नॉर्मल डिलीवरी प्रॉब्लम आती है क्या? यस, डिप्रेशन एंड बीपी से प्रॉब्लम कैसे आती है? डिप्रेशन एंड बीपी से प्रॉब्लम ऐसे आएगी कि जैसे आपको डिप्रेशन है तो आप यू डोंट फील लाइक एक्सरसाइजिंग एंड यू डू नॉट फील लाइक ईटिंग गुड फूड, यू आर नॉट वेरी हैप्पी, सो यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर डेली रूटीन ऑल्सो. सो डिप्रेशन, देखो ये एक विशेष साइकिल है. अगर आप डिप्रेस हो तो आप एक्सरसाइज नहीं करें, अगर एक्सरसाइज नहीं करें तो आपका मूड खराब है तो उस वजह से भी डिप्रेशन है. तो कहीं ना कहीं योर लिफ्टिंग ऑफ द मूड, एक बार अगर आपने घर से निकल के एक्सरसाइज का एक दिन दो दिन भी कर लिया, तो आपके अंदर दिस इज रियल मैजिक एंड दिस रियली वर्क्स, यू बिलीव मी. आप दो बार भी निकल गए ना घर से, तो आपका तीसरे दिन अपने आप शेड्यूल बन जाएगा, यू विल टेक आउट टाइम योर सेल्फ, निकल आएगा अपने आप टाइम. और आपका एक बार करने से मूड इतना अच्छा होगा कि आपके घर वालों को डिफरेंस पता लगने लग जाएगा, एंड देन दे विल टेल यू ओके नाउ राखी यू आस्क मी ना, नो प्रियंका यू आस्क मी, तो दे विल टेल यू प्रियंका गो आउट एंड प्लीज गो आउट फॉर द वॉक. ऐसा होता है, आई हैव सीन दिस मेनी टाइम्स. तो जो घर के लोग है ना वो भी पसंद करते हैं कि योर मूड इम्प्रूव्स, योर हेल्थ इम्प्रूव्स, आपका बात करने का, यू टेक आउट टाइम, वर्क सारे टाइम से ज्यादा आप अगर थोड़ा भी अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं तो आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, तो वो एक पॉजिटिव साइकिल जो बनती है और वो उससे जो है बहुत फर्क पड़ता है. दूसरा, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी में क्यों प्रॉब्लम आती है? ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के साथ भी यही है. अगर बीपी हाई हो रहा है तो हम लोगों को प्री टर्म लेना पड़ता है. प्री टर्म में सर्विक्स मैच्योर नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स नहीं आते हैं, तो अगर बीपी के पेशेंट्स में हमें बच्चे की वेलफेयर के लिए पहले टर्मिनेट करनी पड़ेगी प्रेगनेंसी, तो सिजेरियन के चांसेस बढ़ेंगे. तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं. डिप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम है, डिप्रेशन होगा तो आपको घर से नहीं निकलोगे, बीपी होगा आपका मेडिसिन बीपी की फालतू चलेंगी. तो एक चीजों को ब्रेक करने के लिए आपको दोनों चीजों में एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प अलॉट, और एक्सरसाइज हेल्प करेगी तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा, मूड अच्छा रहेगा, नॉर्मल वर्कआउट करोगे मोटे नहीं होगे, वेट गेन अननेसेसरीली नहीं बढ़ेगा, तो उससे प्रॉब्लम्स सारी कम है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ही इम्प्रूव होते हैं. मैंने देखा है जो पेशेंट्स हमारे यहाँ पे क्लासेस करते हैं उनका डिलीवरी भी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ते हैं, और साथ ही में डिलीवरी के बाद दे कम बैक टू देयर नॉर्मल शेप वेरी 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 अर्ली. बिल्कुल स्मार्ट लड़की हो जाती है वो, जो कि स्लिम एंड ट्रिम, जो कि पहले से वर्कआउट वगैरह करती रही. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन आशी, मैम हाउ मच शुड बी द गैप ड्यूरेशन बिटवीन फूड एंड एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम? सो दिस आई हैड ऑलरेडी कवर्ड, आई विल अगेन रिपीट. एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर यू टेक फूड ओनली देन यू शुड एक्सरसाइज. 1 आवर
यू टेक फूड देन यू शुड एक्सरसाइज, और 1 आवर पहले भी अगर आपने खाना खाया तो इट हैज टू बी लाइट. सबसे अच्छा टाइम है आफ्टर मॉर्निंग मिल्क बिस्किट, यू गो एंड हैव अ बाथ एंड देन यू सिट, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो. दिस इज द बेस्ट टाइम. अगर मेडिटेशन उस समय नहीं करना, नहाने से पहले आपको एक्सरसाइज कर लो, नहा लो, नहाने के बाद मेडिटेशन कर लो. मेडिटेशन भी पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, जस्ट कनेक्ट योर सेल्फ टू द हायर पर्सन देयर. दिस इज गोइंग टू डू वंडर्स टू योर प्रेगनेंसी. दोनों चीजों से बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये हो गया. बाकी अगर आपको शाम को टाइम मिलता है तो शाम को आप लोग जो है मॉर्निंग आवर्स में नहीं कर पाते हैं तो इवनिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप थोड़ा लंच करके थोड़ा रेस्ट करके जब उठते हैं तो उठने के बाद इफ यू आर नॉट वेरी हंग्री, अगर आपको बिस्किट चाय लेना है तो आप ले सकते हैं, दूध लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा दूध पी लो, अदरवाइज थोड़ा सा कुछ जूस ले लो और उसके बाद यू सिट आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ टेकिंग दैट लिक्विड जूस या मिल्क या वॉटर एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन डू दैट एक्सरसाइज. और खाना खाने दूध वूध पीना है हैवी कुछ लेना है तो आफ्टर एक्सरसाइज 10-15 मिनट बाद आप वो भी ले सकते हैं. तो मैम बैक पेन टेल बोन, शालिनी यू आर आस्किंग मी मैम बैक टेल बोन पेन के लिए क्या करें. ओके, तो दिस आई गो डायरेक्ट टू गीता व्हेन शी जॉइंस. आई होप शी इज जॉइंड नाउ एंड देयर इज नो मोर क्वेश्चन. सो विवेक हैज गीता जॉइंड, जॉइन कर लिया है उन्होंने, उनका माइक्रोफोन जस्ट ऑन हो रहा है. अच्छा ओके, सो यू कैन कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस राइट इन द चैट बॉक्स ओवर हियर. And we would be very happy to answer all of the questions. और अगली बार आप आए यहाँ पे तो मॉर्निंग में भी बैठते हैं और इवनिंग में भी बैठती हैं. डॉक्टर गीता इज हेयर इन द मॉर्निंग ऑन संडेज और इवनिंग में डेली रहती हैं और एक्सेप्ट संडे. और दूसरे डॉक्टर हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो मॉर्निंग आवर्स में रहते हैं तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं. बाकी छोटे मोटे सवालों के जवाब एक्सरसाइजेस के मैं आपको दे सकती हूँ. डाइटिशियन इज अवेलेबल. तो हम लोग जो ये क्लास करने जा रहे हैं उसके लिए भी अगली बार आप लोग इनरोल कर दें, जिससे कि जैसे ही कोविड के बाद ये बैच पॉजिटिव हो वैसे ही हम लोग आपको ये शुरू कर पाए. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया है. स्वाति इज आस्किंग मी मैम इफ मदर इज कोविड पॉजिटिव इज इट हार्मफुल फॉर द बेबी. सी इफ मदर इज कोविड पॉजिटिव एंड इफ शी इज एसिम्प्टोमेटिक देन द बेबी विल नॉट बी अफेक्टेड. बट इफ शी हैज सिम्टम्स like if she is having heart and lungs problem, if she is having decreased saturation, uska kam hai, oxygen level uska kam ho raha hai, symptoms zyada ho rahe hain, to 100% problem bachche ko hoti hai. Agar wo asymptomatic hai, usko fever nahi hai, to very rarely the baby is going to be affected. But you never know, aapko problem hui aur aapko symptoms aane lag gaye, high fever hua, तो हाई फीवर में तो बच्चे को अफेक्ट होना ही होना है. तो आपको अगर फीवर है तो यू हैव टू गेट इन टच, यू टॉक टू मी ऑन फोन, यू टेक द फोन नंबर ऑफ द रिसेप्शन, आपके हर पर्चे पे लिखा हुआ है. सारा दिन, ऑलमोस्ट सारा दिन मैं हॉस्पिटल में ही रहती हूँ तो मॉर्निंग आवर्स में मुझसे बात हो जाएगी फोन आप करेंगे तो. और अगर आप शाम को करते हैं जब वो नंबर नहीं अवेलेबल है तो सिस्टर मिलेंगी, सिस्टर मुझसे बात करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी. तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करें, हम लोग आपको एंटीपायरेटिक्स यानी कि फीवर को कम करने वाली मेडिसिन बता देंगे. एजिथ्राल टैबलेट विच इज एन एंटीबायोटिक विच इज यूज फॉर कोविड पॉजिटिव पेशेंट, दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड टू सम ऑफ माई प्रेगनेंट पेशेंट्स हू हैव बिकम कोविड पॉजिटिव बिकॉज दिस इज नॉट हार्मफुल फॉर द बेबी. And then Dolo, paracetamol is for fever. Vitamin C, I tell them to take. Vitamin D3, I tell them to take. और बाकी बहुत सारी medicines हैं जो general public को दे सकते हैं but pregnant women को I cannot prescribe. So you have to be safe at home. अभी COVID खत्म नहीं हुआ है, आपको अपने घर में रहना है. आपके घर में जो बाहर निकल रहे हैं वो लोगों को बहुत समझदारी से रहना है, ठीक है. So this is your question's answer. Ma'am, मैंने water birth के बारे में सुना है, वो क्या होता है? No, water birth is not at my center. नहीं आ रहा आपका sound. एक काम करते हैं, आपको screen वाला सारा समझ आ रहा है ना? Methods,
फॉर आपको सुनाई दे रहा है नंबर सीखे उससे अच्छे हमारे पास मैं आप मोबाइल पे कनेक्टेड रहिए मेरे साथ स्पीकर पे डाल रहा हूँ मेरे माइक्रोफोन के थ्रू आपकी साउंड जाएगी आपको तो दिख ही रहा है ना सामने वाला कि आपका मैं आपका स्पीकर पे करके मेरे माइक्रोफोन से आपके यस इट इज आप ऐसे कनेक्टेड रहेंगे और इससे और अच्छे मेथड्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे यूज किए जाते हैं फॉर रिलीफ ऑफ पेन ड्यूरिंग लेबर एपिड्यूरल एनर्जीजिया है और बहुत सारे टेक्निक्स हैं मसाजिंग टेक्निक्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं और बहुत सारे इंजेक्टेबल्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे कि हमको पेन नहीं होता है. तो सबसे पहले तो आपको पेन रिलीफ तक पहुंचने के लिए यू हैव टू हैव 9 months ऑफ कंफर्टेबल प्रेगनेंसी. सो आप 9 months को पहले कैसे कंफर्टेबल करें, नॉर्मल है या सर्जरी है वो तो बाद की बात. इन सब चीजों से व्हेन यू आर 9 months प्रेग्नेंट तब आपको अपने लाइफ को कितना ईज आउट करना है, कैसे परेशानियों से बचना है, कैसे आपको हैप्पी रहना है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही जरूरी है जानना. और उसके लिए छोटा सा एफर्ट हम लोगों की तरफ से टू कनेक्ट विथ यू ऑल सो दैट हम आपको अभी बुलाए ना हॉस्पिटल बहुत ज्यादा और आप जब भी आए तो ये कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए मिले. कोशिश मेरी यही है कि मैं कम से कम 6 या 7 एंटीनेटल विजिट्स पूरे 9 महीने में आपका कंप्लीट कर देती हूँ. जैसे ही प्रेगनेंसी पता लगी सबसे पहले यू हैव टू कम एट दैट टाइम जिससे कि हम एक बेसलाइन स्कैन करके देख लें कि आपका कोई प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. देन व्हेन यू आर कंफर्म्ड कि आपकी कार्डियक एक्टिविटी आ गई आपको सबसे पहले दवाई लिखी दी जाती है. कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई विल ओनली कॉल यू एट 2.5 to 3 months ऑफ प्रेगनेंसी. 2.5 to 3 months ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन यू हैव तब हम लोगों को एनटीएन भी स्कैन होता है जरूरी और एक डबल मार्कर ईएफटीएस का टेस्ट होता है जरूरी जिसमें पता लग जाता है कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का रिस्क नहीं है. इसके बाद मैं आपको बुलाऊंगी 4th month में जब टीफा का टाइम आता है और ब्लड का शुगर वाला टेस्ट होता है उसी समय चेकअप हो जाएगा, उसी समय ये काम हो जाएगा. फिर उसके बाद जब आपका टीफा हो गया उसके बाद आई विल नॉट कॉल यू फॉर 1.5 months. देन आई विल ओनली कॉल यू इन द 6th and 7th month ऑफ प्रेगनेंसी. तब हम एक ANC3 करेंगे, तब हम एक अल्ट्रासाउंड कर डॉक्टर Then I will call you at term almost. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई ना कोई अगर high risk point नहीं है, high risk factor नहीं आपकी pregnancy में, I try to reduce सारी चीजों को मैं एक साथ ही combine करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जिससे कि आपको ना बुलाना पड़े और ना आपके घर वालों को आपको लाना पड़े क्योंकि इस समय घर में जितना maximum रहो उतना ही अच्छा. तो ये कोशिश रहती है. बाकी और एक्सरसाइज आप जरूर करें. बैक एक के अभी डॉक्टर गीता आपको बताएंगी मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड इफ यू हैव बैक एक देन हाउ टू मैनेज इट यू कैन जस्ट सी. कुछ कुछ हम लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं जिससे कि हम बताएं, आप उसको जरूर से नोट करें. चाहे तो स्क्रीन का वीडियो बना लें, जो स्क्रीन आ रहा है उसका वीडियो बना लें सो दैट आप बाद में भूल ना जाए और वो आपके मोबाइल में अगर रहेगा या आपने किसी से बोल दीजिए कि इसका वीडियो बना ले आप उसको देख रहे हैं तो नहीं ध्यान पा रहे तो वीडियो जब बन जाएगा तो आपके पास वो हमेशा रहेगा और आप उसको हमेशा कर सकते हैं. अगर आपको कुछ उससे प्रॉब्लम होती है तो जब आप आएंगे तब आप मुझे डिस्कस कर लेना कि ये वाली चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट बता देंगे या फिर हम उसका आपको कोई दूसरा एक्सरसाइज या उसको कम कर देंगे या उसका मेथड सही कर देंगे. तो दिस वीकेंड ओके डॉक्टर गीता ने ज्वाइन कर लिया मैम. दैट्स वेरी गुड. आई वेलकम डॉक्टर गीता. गीता ओके सो यू कैन टेक द माइक नाउ एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन. ओके ओके हेलो हेलो गीता. हाँ सर विक्की वो पीपीटी आप प्रेजेंट कीजिए या मैं स्लाइड लगा रही हूँ. आप स्लाइड लगा दीजिए. ओके ओके सर
डॉक्टर गीता स्लाइड्स जो हैं वो अभी आपकी स्क्रीन पे ही आ जाएंगी, एक सेकेंड, स्क्रीन पे हैं स्लाइड्स आपके। थैंक यू सुमिता मैम एंड थैंक यू फॉर एवरीवन हु जॉइन दिस वेबिनार। I'm Dr. Geeta Suri, physiotherapist from Asan Maternity Home. आज मैं आप लोग से लो बैक पेन के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगी क्योंकि प्रेगनेंसी में ये बहुत ही कॉमन है, तो इसके लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि जो लो बैक पेन होता है इन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो कि हमारे लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट से मतलब हमारा ये है कि जो एक धागा स्ट्रक्चर होता है, धागा स्ट्रक्चर होता है तो हड्डियों जो काम करता है। जब हमारे को प्रेगनेंसी तकलीफ होती है तो वो लिगामेंट जो होता है वो स्ट्रेच करता है, वो खींचते हैं, वो जैसे जैसे खिंचाव पे जाता है स्किन आता है जिसकी वजह से हमें बैक पेन क्रिएट होता है। काफी महीने से आपको ये बैक पेन का थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है क्योंकि उस समय क्या होता है कि बच्चा को होता है कि वो ग्रोथ कर रहा होता है, उसके लिए अंदर फैब्रिक कैविटी जो होती है वहां पे स्पेस चाहिए होता है, तो जिसकी वजह से उसमें खिंचाव होता है, तो खिंचाव की वजह से हमारी कमर पे लोड पड़ता है, इसलिए आखिरी के 3 महीने के उसमें बैक पेन आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा और बैक पेन क्या होने के क्या क्या कारण होते हैं, कि सबसे कॉमन जो है मैकेनिकल, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि आपका पेट बाहर की तरफ निकलता है, कमर का जो लो बैक एरिया है उस पे चेंजेस आने शुरू होते हैं, तो इसलिए इसमें इस तरह की दिक्कत आती है। प्रेगनेंसी का होता है आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये दिक्कत आती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका ब्लड सर्कुलेशन का है उसकी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आपके साइकोसोशल फैक्टर्स यानी आपके सराउंडिंग जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से दिक्कत आती है। ये कारण है जिन वजह से बैक पेन होने के चांसेस होते हैं। जब बैक पेन होता है ना कि शुरुआत होती है पेन की, तो उस समय आपको कैसा क्या फील होता है, जैसा कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी मैक्सिमम जो देखने को मिलती है 7वें महीने से देखने को मिलती है, लेकिन आपको हल्का हल्का पेन जो है वो 5वें और 6ठे महीने से ही शुरू होना शुरू हो जाता है। अगर आप शुरुआत से एक्सरसाइज करते आ रहे हो तो फिर आपको ये पेन लेटर स्टेज में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करते हो, जैसा कि मैम भी गाइड कर रही थी, तो फिर आपको जैसे जैसे आपके पोस्चर में चेंजेस आएंगे, आपके बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं, तो उस वजह से काफी हद तक चांसेस होते हैं कि आपको पेन हो। लेकिन जो आपको 5वें और 6ठे महीने पेन आना शुरू होता है ये और ज्यादा बढ़ जाता है आपका 24वें से लेकर 6ठे महीने में। क्या मतलब ये है कि 7वें महीने से लेकर 9वें महीने पेन सबसे ज्यादा पीक इंटेंसिटी पकड़ने लगता है। अगर आपने इन बिटवीन कोई भी एक्टिविटी नहीं की, आपने बैक पेन के लिए पर्टिकुलर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट की है, तो ये पेन आफ्टर डिलीवरी भी और प्रोग्रेस रहता है, कंटिन्यू रहता है, और ये आपको लॉन्ग टर्म का पेन क्रिएट हो जाता है, जैसे कि हम क्रॉनिक पेन भी कहते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ही पेशेंट ऐसे हैं
फिनिश आती है कि जो बैक पेन की कंप्लेंट करती है। हमारे इसमें ये तो था कि पेन की शुरुआत कैसे होती है और कैसे पता चलता है, कितने तरीके के पेन होते हैं, द टाइप ऑफ पेन, लोकलाइजेशन ऑफ पेन इज़, मतलब कि आपके जिस हिस्से में पेन हो रहा होगा आपको देखेगा ऐसा कि अंदर की तरफ कुछ भारी भारी सा दर्द टाइप का पेन हो रहा है। किसी किसी को फिर पेल्विक गर्डल रीजन, वहां पे चुभन टाइप का पेन होगा, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज प्रिक कर रही है कंटिन्यू, इस तरह से पेन आना शुरू होता है। धीरे धीरे जैसे ये पेन बढ़ता है तो फिर ये और ज्यादा आपको दिक्कत करने लगता है, क्योंकि अनइजीनेस इतनी है, पेन है, हम कोई एक्सपोजर पे जा रहे हैं, हमें पेन हो रहा है, तो इस तरह का। अगर आपको थोरेसिक रीजन में, मतलब कमर से ऊपर वाले रीजन में पेन आना है तो फिर आपको एक जलन के साथ दर्द आना शुरू होता है। पेन जैसे जैसे होता है बढ़ता है, अगर आप टाइम से उसको नहीं करते हैं तो वो शूटिंग टाइप का पेन होने लगता है, पैरों में झुंझुनी आनी शुरू होती है, पैरों में भी दर्द करना शुरू हो जाता है। आप जैसे जैसे एक्टिविटी आगे करने की कोशिश करोगे तो आपको पेन मूवमेंट रोकेगा, आप एक्टिविटी नहीं करने देगा, आपको इस एक्टिविटी ब्रेक करेगा। ये तो प्रेगनेंसी के अलावा और भी क्या कॉमन कॉजेस होते हैं जो पोस्चरल चेंजेस हैं उसके अलावा जिन वजह से पेन होता है, उसमें आपका डिस्क डिजीज है। जनरली आपने बहुत सुना होगा कि स्लिप डिस्क, तो डिस्क अपनी जगह से हटती है, स्लिप कर जाती है, तो उसकी वजह से भी पेन होता है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में शियाटिका पेन भी कहते हैं। इसके अलावा पैटिक ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि जो माइंड स्पाइन के जो ज्वाइंट होता है उनमें स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से सबसे कॉमन पेन है वो है सैक्रोइलिक इन्वॉल्वमेंट। सैक्रोइलिक ज्वाइंट जो होता है वो हमारी पैल्विक फ्लोर पे होता है और यहाँ पे लिगामेंट का स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारी पैल्विक कैविटी जैसे जैसे खुलने का करती है ना तो उससे बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है, तो इसलिए सैक्रोइलिक ज्वाइंट भी उसमें कॉमन है। इसलिए जब कभी भी आपको बैक पेन होता है तो आप लोग अपने आपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिना किसी गाइडेंस के आप किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी ना करें, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ फिजियोथेरेपी असेसमेंट करते हैं, जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पैथोलॉजिकल टाइप का पेन है या फिर जस्ट बिकॉज जो पोस्चर चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से पेन आ रहा है। जैसे कि हम स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट करते हैं, यानी का मतलब ये है कि बिल्कुल सीधा सीधा पैर उठाना होता है, आप अगर पैर ज्यादा ऊपर नहीं उठा पा रहे हो, पैर उठाते सारी आपको खिंचाव हो गया है, तो फिर इसका मतलब आपको टेस्ट पॉजिटिव है, आपको बैकिंग की प्रॉब्लम है। इसी तरह से फेवर टेस्ट है जो कि हम आपका अल्फ्रेड ज्वाइंट के लिए करते हैं, ट्रेंडिंग बॉक्स टेस्ट है, हिप लेग्जाम लेंथ है कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करती है अगर मसल शॉर्टनिंग है तो इस वजह से भी आपको कमर में दर्द आएगी, क्योंकि वो उसको डेप्थ भी देती है मसल को। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट है जो हम लोग करते हैं, जैसे कि हम डिफ्रेंशिएट करें कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैकेनिकल पेन है या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है। जब आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इसके लिए करना क्या है, नंबर ऑफ स्टडीज जो है जो कहती है कि आपको एक अच्छी डाइट लेनी है और प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में करते आते हैं कंटिन्यू, तो आपको लेटर ऑन जो लास्ट के 3 मंथ्स में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो आपको नहीं आएगी, आप उससे काफी कुछ बिगड़ जाएंगे। अब ये हमें बैक पेन ना हो इससे पहले हम बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले पोजीशन है आपको अपने पोस्चर का ध्यान देना है। पोस्चर का ध्यान देते हैं मतलब कि जब आप साइड करवट लेते हैं, साइड करवट लेते वक्त आपको क्या करना है, आपको जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये पिलो सपोर्ट है, पिलो सपोर्ट जो है कि वो आपको एब्डोमेन को सपोर्ट करते हुए और आपके लेग को सपोर्ट करते हुए होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके एब्डोमेन और हिप के बीच के जो गैप होता है वहां पे स्ट्रेस ना पड़े,
ये आपके लिए बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, जैसे कि आपकी बैक जो है जब आपकी नी से बेंड हो गई, आपके एब्डोमेन को भी सपोर्ट मिल गया, तो आपके जो बैक पे लोड पड़ रहा है वो लोड ऑफ हो जाएगा, तो जिस वजह से आपको बैक नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट लेते हैं, सीधे लेते हैं, तो सीधे लेते वक्त आपका जो एक पिलो प्लेस है वो आपको घुटने के नीचे प्लेस करना है। जब आप घुटने के नीचे पिलो को प्लेस कर लेते हो तो सेम आपके क्या है कि जब आपका पैर सीधा रहता है तो आपके सामने ही पर स्ट्रेच पड़ता है, आप उसको बेंड कर दोगे तो जैसे ही बेंड करोगे तो आपके दांत के जो कर्व बढ़ना होता है वो कर्व को रोक देगा, और जैसे ही वो कर्व रुकेगा तो आपको बैक को काफी रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पैरों में बड़ा सूजन आ रही है या कुछ इस तरह से आ रही है, हमें भी दर्द आ रहा है, तो इसके लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आती है, सॉक्स आते हैं जिसको आप पहन सकते हैं, और पहनने से आपका क्या है कि वीनस रिटर्न अच्छा होगा और इसके साथ ही आपको बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एब्डोमेन से बैक सपोर्ट आती है जो कि आपके एब्डोमेन और बैक को पूरा सपोर्ट करती है, जो कि रेस्टिंग पोजिशन प्रोवाइड करती है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप सॉफ्ट टिश्यू मसाज है, आप अपने घर पे अपने किसी से कह सकते हो या अपने पार्टनर से कह सकते हो, जो कि आपको बहुत ही हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं जिससे कि आपको बैक में रिलीफ होगा। पेनकिलर्स है लाइक एसिटामिनोफेन, जो कि अगर फिजिशियन अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है आपको बैक पेन बहुत सीवियर हो रहा है, बिल्कुल अनटॉलरेबल नहीं है, फिर आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा योगा थेरेपी है, एक्वा थेरेपी है। एक्वा थेरेपी जैसा मैम ने आपको बताया है कि स्विमिंग बहुत ही इफेक्टिव है और आपको किसी तरह की इंजरी या बैक पे लोड नहीं आने देगी, आपके पोस्चर को भी काफी करेक्ट कर दिया। इसके अलावा बहुत ऐसे है को भी एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम घरेलू बोलते हैं, अगर किसी मरीज को इस तरह की अर्थराइटिस है, इस अर्थराइटिस में एक स्पेशल इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगता है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन से मतलब कि जॉइंट के बीच में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि उसको दर्द में आराम मिल सके। कुछ स्टडीज शो करती है कि एक्यूपंक्चर भी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको अगर कराते हैं तो वो पेन रिड्यूस में काफी हेल्प करती है, लेकिन अगर सैक्रोइलिक जॉइंट है तो उसमें ये आपकी एक्यूपंक्चर थेरेपी वगैरह भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। तो उस कंडीशन में आपको जितना आप एक्टिविटी करेंगे और अगर आपको एंटीलेसिंग आर्थराइटिस नहीं है तो फिर आपको इससे रिलीफ हो जाएगा। अगर आप इस तरह की कॉम्प्लिकेशन और बैक पेन से आप नहीं चाहते हो फेस करना और आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, इसके लिए आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम फिजियोथेरेपी की टच में रहना ही रहना है आपको, जिससे कि आपको लेटर ऑन की प्रेगनेंसी ना आए, नॉर्मल डिलीवरी हो सके, आपको किस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना आए, और आपको लेकिन आफ्टर डिलीवरी भी आपकी लाइफ उतनी ही एक्टिव है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है कि क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स में सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है, तो आप एंजाइटी को पहले एक्सरसाइज आपको एंजाइटी रिड्यूस करने में भी काफी हेल्प करती है, तो इसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके साथ कुछ पोस्चरल गाइडलाइन की एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको नीचे से सामान उठाना है तो आप कैसे उठाए और कैसे क्या करें। विवेक जी पोस्चरल वाली लगा देते हैं स्लाइड वीडियो वन, वीडियो वो पोस्चर वाली जो आपको वो जी पोस्चर की वीडियो वन। हाँ ये है, अगर आप जमीन पे नीचे बैठे हैं तो नीचे से जब आप ऊपर के लिए उठते हैं खड़े होते हैं तो आपको जो पोस्चर लेना है आपको क्या करना है कि एक बार फिर से रिप्ले कर दीजिए विवेक जी कि आप देखिए इसमें आपको अपने थाई के ऊपर लोड डालते हुए आपको सीधे ऊपर उठना है। जब आपने एक नी बेंड करके आप स्ट्रेट हुए हो तो आपके बैक पे लोड नहीं आएगा और आपका पोस्चर स्ट्रेट रहेगा। देखिए जैसे इसमें इसमें हिप को पुश था, थाई को करते हुए
खड़े होना किया है. नेक्स्ट वीडियो विवेक जी प्लीज. ये स्क्रीन पे है कि पोस्टर वाली एक्सरसाइज की है. ओके वो नीचे से वेट लिफ्ट करते हुए के. हाँ हाँ चलो जी. देखिए जैसे कि नीचे का सामान अगर कोई नीचे गिरा है आपको उठाना है, आपको ऐसा नी बैंड करके नीचे बैठना है. अब एक बार फिर से देखिए जैसे कि ये नी बैंड करके नीचे बैठी है, बॉडी के क्लोज करके वेट लिफ्ट किया है, अपना स्ट्रेट पोस्चर किया. तो आपको अगर कोई भी सामान उठाना है नीचे से तो आपको इसी तरह से उठाना है, न कि डायरेक्ट फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है कि आप एकदम से सामने की तरफ झुक गए. अगर आप ऐसा करोगे तो आपको टाइम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. थर्ड वीडियो विवेक जी. ये तो वीडियो थी लाइट वेट उठाने के लिए. अगर आप कोई भारी सामान उठाते हो, थोड़ा भी भारी है, तो आपको क्या करना है, अपने नी बैंड करना है, अपनी बॉडी के क्लोज करना है और इसको पुट करना है. आप इस बार फिर से जैसे कि नीचे की तरफ बैठे पोजीशन आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है डॉक्टर गीता. हल्की सी ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा सिग्नल में आ चाहिए. अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है. आप एक बार वीडियो फिर से रिपीट कर दीजिए. जी ये एंकल टू मूवमेंट एक्सरसाइजेस है. एंकल टू मूवमेंट आपको एक तो जो पैर में आपकी स्वेलिंग आती है, जो आपका वेनस फिल्टर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा होता, बैकवर्ड फ्लो नहीं हो रहा होता, तो ये आपके ब्लड क्लॉट फ्लो को भी बढ़ाती है. इसके साथ साथ आपको पेट रिलीफ भी करती है. इस एक्सरसाइज को आप मैक्सिमम टाइम कर सकते हो. लाइक आप स्टार्ट कीजिए 10 रिपीटेशन से कम से कम 3 बार. अगर आप इसको करते हो तो आपकी स्वेलिंग कम होगी और आपको जो पैरों में पेन आता है, भारी टूटता है, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा. नेक्स्ट वीडियो विवेक जी. एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. नेक्स्ट वीडियो है हमारा लेग रेजिंग. इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधे ले जाइए रिलैक्सेशन पोजीशन में. आपको अपने पैर को सीधा सीधा ऊपर की तरफ उठाना है, कंधे को अपनी तरफ खींचना है. स्टार्ट 45 डिग्री तक आपको पैर तक उठाना है. होल्ड नहीं करना है स्टार्टिंग में. ये एक्सरसाइज में आपको 10 रिपीटेशन स्टार्ट करना है, 10 ईच लेग. ठीक है, तब तक आपको दिन में 2 बार जरूर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में देखिए. थर्ड एक्सरसाइज है आपके बैक स्ट्रेंथ के लिए, बैक मसल स्ट्रेंथ के लिए. इसमें आपको क्या करना है, सिटिंग पोजीशन पे आप बैठ जाइए, अपनी कमर के पीछे तकिया या फिर एक टॉवल का रोल बना के चेयर के पास रख लीजिए और अपनी कमर से पीछे की तरफ बैक मसल को पुश कीजिए. जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं वो पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं और पुश करते वक्त आप
अपने पेट का जो लो वेट है वो उसको ऊपर की तरफ खींच के पुश नीचे की तरफ पेट का प्रेशर मर डालेगा। और ये एक्सरसाइज भी आपको 10 रिपीटेशन स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग में होल्ड मत कीजिएगा, इसको लगे पुश कीजिएगा एंड रिलीज, पुश एंड रिलीज। नेचुरली अगर आप 1 वीक इसको कंटिन्यू करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कंफर्टेबल हैं, और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए आपकी एक्टिविटी को देख, आपकी बैक मसल स्ट्रेंथ को वैल्यूएट करते हुए फिर वो आपको गाइड करेगा कि आपको होल्ड करना है या नहीं करना है, या भी इतनी रिपीटेशन को कॉन्स्टेंट करना है। कंटिन्यू आप 10 रिपीटेशन कीजिए, कम से कम 10 RM दिन में 2 बार करना है। थर्ड वीडियो है ये हमारी बैक स्ट्रेच, क्योंकि जनरली हमारे क्या होता है कि बैक पे काफी स्टिफनेस आती है, ऐसा लगता है बैक में पूरा हो गया संकुचन टाइप की लगती है। अगर आप इस तरह की स्ट्रेचिंग करते हैं तो उससे काफी रिलीफ मिलेगा, ये भी काफी हेल्पफुल होती है आपको बैक पेन रिलीफ करने के लिए। लेकिन लास्ट के 3 मंथ्स में रिलीज को क्योंकि पेट काफी निकल आता है, वो इस पोस्चर पे कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, तो उनको क्या करना है कि जैसे अपने सर के पास कर दो, जी उठ गीता। हाँ जी बीबी जी, आपके फोन का डिस्कनेक्ट हो गया था जी, कनेक्टेड है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट वीडियो ये बैक स्ट्रेच। हाँ नेक्स्ट वीडियो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस। कैट एंड कैमल एक्सरसाइज में क्या करना है आपको कि घोड़े वाली पोजीशन पे आके आपको बैठ जाना है, जैसे कि नी बैंड और हाथ आगे फ्लोर के ऊपर करके। अब आपको इसमें क्या करना है, अपने पैल्विक को आगे की तरफ ड्रॉप करना है और थोरैसिक रीजन को ऊपर की तरफ उठाना है। दिस इज कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपकी क्या होगी, तो आपकी पैल्विक की क्या है फ्लेक्सिबिलिटी आएगी पैल्विक रीजन पे, और आपको जो पैल्विक पे स्ट्रेंथ मिलेगी और वो हिस्सा ब्रॉड होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी पैल्विक रीजन पे। नेक्स्ट वीडियो विवेक जी, कि मैं आपको पहले बता रही थी कि आप जो बैक स्ट्रेच वाली थी उसमें ही आप ये फ्रंट में ऐसा पिलो प्लेस करके आप इस पोजीशन पे आप अपने आप को लेफ्ट पोजीशन पे कर सकते हैं। ये आपकी बैक स्ट्रेच की पोजीशन है, फ्रंट में ऐसे पिलो प्लेस किया है और फॉरवर्ड बैंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में जी, हेलो
हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन प्रेगनेंसी। आपको ये मैक्सिमम करनी है, बट स्टार्ट विद द 10 रिपीटेशन। 10 रिपीटेशन में 10 बार कम से कम एक बार में करनी है। ये एक्सरसाइज आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच करता है और काफी अच्छा स्पेस क्लियर करता है, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प मिलेगा और बच्चे का हेड नीचे की तरफ मूव करने में भी हेल्प करता है। तो इस एक्सरसाइज को आप जितने अच्छे से कर सके उतना अच्छा, और ये बैक पेन खासतौर पे जो सैक्रोइलियस जॉइंट का पेन है उसको रिलीव करने में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट वीडियो विवेक जी। थैंक यू। यहीं तक डॉक्टर गीता। अच्छा, मैं अभी आपसे बात। डन मैम, एक्सरसाइज पोर्शन इज डन। Okay. Gita, you can just take on whatever you want to say more. Then we can take a few questions from the viewer. Okay, ma'am. Just wanted to say to everyone ki please aap log exercise zarur kare, daily kare, aur main agar aap zyada kuch nahi kar pa rahe hain during pregnancy, to start walking. Walking बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें, कि एटलीस्ट आप स्टार्ट करो शुरुआत में 10 मिनट, फिर आप वीकली उसको बढ़ाओ कि 15 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, लेकिन आपको डेली वॉक जो करना है कोशिश आपको ये रखनी है कि 30 to 40 मिनट्स की आपको वॉक करनी ही करनी है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी स्ट्रेंथ के लिए। जितना आप वॉक करेंगे उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अच्छा से राइज करेगा, और वो ऑक्सीजन लेवल जब आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको खुद में भी अच्छा फील होगा। आपके सेल जो छोटे छोटे सेल है, माइक्रो सेल्स वगैरह होते हैं, वहां तक ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जनरली प्रेगनेंसी में जो लेडीज है कि मेरी सांस फूल रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, तो आपको ये सांस फूलने वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी अगर आप रेगुलरली वॉक करती हैं। मैं हम प्रेग्नेंट लेडीज को जब आती हैं हम लोग के पास, मतलब अगर बैक पेन नहीं है उसके अलावा भी आपको फॉलोअप में रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि हर ट्राइमेस्टर वाइज थोड़ा चेंज होती है, जिसमें हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपकी सबसे मेन क्या है कि आपका एंजाइटी और स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि जब आपका 5 to 6 months जैसे स्टार्ट होता है आगे ग्रेजुअली बढ़ता है तो आपको थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी आती है। तो जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब करते हैं तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल भी काफी कम होता है और आपका मूड भी फ्रेश होता है। जैसे कि मैम ने भी गाइड किया है कि आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हो, जॉगिंग भी कर सकते हो, तो ये आपको करना ही करना है। इवन आपको वंस इन अ मंथ आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी टच में रहना है, जैसे कि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि जब आपके प्रेगनेंसी जैसे जैसे कंसीव करते हैं, क्योंकि आपको बॉडी में थोड़ा चेंजेस आते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कि आपके पोस्टर अलाइनमेंट में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। कुछ कुछ लोगों को पहले से ही नी जॉइंट पेन और ये सब कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो आपको ये प्रॉब्लम सारी शॉर्ट आउट करनी है, आपको इस चीज का पूरा ध्यान देना है। और इसके अलावा आपको सबसे मेन क्या करनी है कि आपको अपने पोस्टर्स का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप अपने पोस्टर्स का ध्यान नहीं देंगे तो आपको बैक पेन 99% पॉसिबल है कि आपको बैक पेन जरूर कैच करेगा। अगर आपने इनिशियली एक्सरसाइज कर ली तो फिर आपको पोस्ट डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी आपको वो बैक पेन नहीं प्रॉब्लम करेगा। अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो बैक पेन की है ये आपकी काफी लॉन्ग टर्म हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आफ्टर डिलीवरी हम चाहे कि 3 मंथ में ही खत्म हो जाए,
ये करने के लिए आपके 3-4 साल तक भी खींच सकता है। वेरी नाइस एक्सप्लेन्ड डॉक्टर गीता। हम लोग तो इनकरेज कर सकते हैं और हर एंटीनेटल विजिट पर हम इनकरेज कर सकते हैं, बाकी अब इट इज अप टू द पेशेंट्स। इफ इट इज अप टू यू ऑल हु आर लिसनिंग, आप लोग इंटरेस्टेड हो इसीलिए आप हो यहाँ पे, इसीलिए आप अटेंड कर रहे हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप जरूर करोगे, दैट इज वेरी श्योर। So one question which Sakshi has asked us me is, my baby is in preep position, I'm in 34th week, which exercise can help for the same? So there is no exercise to correct the preep position. और ये जो preep position है ये बच्चे की fixed नहीं रहती है, it can be कि वो last के month भी change हो जाती है, 37 weeks के बाद change होने के chances कम है, लेकिन अभी आप 34 weeks में हो, there are still 3 more weeks to go. And even in these 3 weeks, the position can change. It is not that कि अभी तक आपकी ब्रीच ही रही है, शुरू से हर अल्ट्रासाउंड ब्रीच रही है तो ये ब्रीच ही रहे, तो ऐसा नहीं है, it can change. फिर उसके बाद शालिनी has asked us, क्या deep breathing exercise करनी चाहिए? मैम, yes, you should do deep breathing exercises. और अगर deep breathing से क्या होता है, आपके lungs पूरे पूरे oxygenate होते हैं, आपके लंग्स में छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं, अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आप बहुत सारी एयर को अंदर ले जाते हो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपके लंग्स में जाता है एयर और वो हर एल्वियोलाई को खोलता है, हर एल्वियोलाई को खोलने से जो आपके डीपेस्ट लेवल ऑफ एल्वियोलाई है वो भी, उसमें भी अगर एयर पहुंचता है, तो एल्वियोलाई सिर्फ हमारे सरफेसेस है जो कि हमारा बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। अगर उन एल्वियोलाई में ब्लड है और वो एल्वियोलाई रेडी हैं एक्सचेंज करने के लिए, CO2 देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए, तो वो आपका चेंज करेंगे। तो आप अगर डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपके डीपेस्ट ऑफ डीपेस्ट एल्वियोलाई तक मैक्सिमम एयर पहुंचेगी और उससे जो है आपका डीपेस्ट CO2 और ऑक्सीजन में चेंज होगा, तो आपके ब्लड में एक ही ब्रेथ में करीब करीब 2 ब्रेथ का काम होगा, आपका ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में चेंज होगा, CO2 निकलेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और यही ऑक्सीजन आपके लंग से होता हुआ कहाँ जाएगा, आपके प्लेसेंटा के थ्रू आपके बेबी तक पहुंचेगा। तो यू हैव टू डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सबको हेल्प करती है, नॉट इवन प्रेगनेंट वुमेन बट टू ऑल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शालिनी ने ही पूछा है, अगर एक्सरसाइज करनी है डीप ब्रीदिंग तो कौन सी करनी है? तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारी तरीके की होती हैं। डॉक्टर गीता आप इस क्वेश्चन को लेंगे, मैं तो ये जानती हूँ कि अनुलोम विलोम कपाल भारती है, अनुलोम विलोम इज एन एक्सरसाइज जो कि आप कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, कपाल भारती अर्ली ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं और बाद के ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, इसमें आपका क्या कहना है डॉक्टर गीता? बिल्कुल मैम, क्योंकि लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आपको जो स्टार्ट करनी है सबसे पहले और सबसे सिंपल जो है कि आप गहरी गहरी सांस अंदर की तरफ लें और मुंह से करते हुए उसको थोड़ी ब्लो आउट करें। वैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो लमाज टेक्निक जो कि हर जगह स्पेशली हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि जिससे कि आप तो हमें उसके अकॉर्डिंग आपके ट्राइमेस्टर पे है उसके अकॉर्डिंग हम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज का गाइड करते हैं। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन लेते हैं तो उस समय के लिए हमें आपको आपको ज्यादा फोर्स होता है ना कि आप उसमें से कर नहीं पाते, तो हमें थोड़ी दूसरी टेक्निक आपको गाइड करनी पड़ती। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 से 4 महीने पहले से आपको फिजियोथेरेपिस्ट के टच में रहना है ताकि वो आपको उस चीज में गाइड कर सके, आपको पूरी चीज पहले से ही सिखा सके कि आप अगर आप पहले से सीख लोगे तो आपको उस समय करना आसान होगा। अगर आप पैनिक कंडीशन में होंगे उस समय हम आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे तो आप प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप फिजियो के टच में रहिए, आपको दिव्या यू हैव आस्क्ड मॉर्निंग में फुट स्वेलिंग रहती है उसके लिए क्या करें? तो फुट स्वेलिंग के लिए हीमोग्लोबिन कम हो सकता है आपका, वो चेक जरूरी करना है, बीपी आपका हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर को चेक जरूर करना है, वो हर विजिट पे आपका यहाँ पे होता है, रिकॉर्ड बनता है पूरा।
दूसरा आपको जो है फुट स्वेलिंग अगर हो रही है तो पैर नीचे लटका के कम बैठना है। अगर आपको किचन में बहुत देर तक काम करना पड़ता है तो आप उसको किचन में काम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल कटिंग है तो वो आप जो है चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। चेयर पे जब आप बैठे तो फुट को स्टूल पे रखें, जिससे कि बहुत डिपेंडेंट पोजिशन पे ना रहे। अगर आप सो रहे हैं या लेटे हैं तो आप जो है नीचे एक पिलो रख लीजिए फुट के नीचे, लेग्स के नीचे, जिससे कि आपके पैरों में स्वेलिंग ना जमा हो और आपके लिम्ब्स में इडीमा ना हो। तो दिस कैन बी डन। और पैर के मूवमेंट्स करते रहे, वो भी एक पैर की एक्सरसाइज है, जैसे कि अभी दिखाया भी गया था एंकल पे रोटेशन और टोज पे रोटेशन, तो उससे भी जो है वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो लिम्ब्स हैं उनमें लेग्स पे रोटेशन, थोड़ा सा लेग्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका हैज आस्क्ड अस, मैम क्या ब्रेस्ट फीडिंग से भी वेट लॉस में हेल्प मिलता है? यस ऑफ कोर्स, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स यू अ लॉट इन रिड्यूसिंग योर वेट, और ब्रेस्ट फीडिंग से आपका ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं, आपका कंट्रासेप्शन मिलता है यानी कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है, कभी कभी लोग बहुत जल्दी कंसीव कर जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद है और आपके बच्चे के लिए उससे भी ज्यादा फायदेमंद है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी वेट लॉस में हेल्प मिलती है। मैम ब्रेथलेसनेस के लिए कुछ, रंजना एजाज भी, मैम ब्रेथलेसनेस के लिए कुछ सजेस्ट करें एंड पेल्विक पेन के लिए भी। तो ब्रेथलेसनेस अगर आपको हो रही है कुछ तो फिजियोलॉजिकल है इन द लास्ट ट्राइमेस्टर। कभी कभी हम फोन पे बात कर रहे होते हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो दूसरा बंदा कहता है आप सांस क्यों फूल रहे हैं, आप कुछ वर्क नहीं कर रहे लेकिन आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो होता है। तो यू शुड धीरे धीरे काम करना है, सारा करो, सारा काम, बातें सारी करो, चलो फिरो सारा, जाओ सारा, घूमो सारा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करना है। और ये जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत हेल्प करेंगी आपको। और पेल्विक पेन के लिए डॉक्टर गीता आपका क्या कहना है, पेल्विक पेन के लिए क्या करें? पेल्विक पेन के लिए अभी जैसा कि इंटरेस्ट पड़ रहा है क्योंकि अब बेबी को जगह चाहिए होती है और उसकी भी ग्रोथ हो रही है, तो पेल्विक पेन के लिए आप जब जैसे बता रहे हैं कि आप जब बैठ रही हैं तो अपनी कमर के पास पीछे पिलो का सपोर्ट लगा के रखें। जैसे आप लेटने के लिए, हमने लेटते वक्त आपको क्या पोजीशन लेनी है, कैसे आपको पिलो सपोर्ट लेना है कि आपको उससे पे पेन ना है। इसके अलावा जो हमने एक बटरफ्लाई एक्सरसाइज बताई है आप उसको कीजिए, उससे भी आपको पेल्विक पेन में काफी रिलीफ मिलेगा, हेल्प मिलेगा, आप उसको कर सकते हैं। और थर्ड वन जो है आपका, जो हमने बैक स्ट्रेच के लिए आपको गाइड किया है, वो पोजीशन जिसमें कि आप आगे पिलो प्लेस करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। और बेटर है कि अगर आप एक बार आके हमसे आप मिल लो तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ब्रेथलेसनेस की भी काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपकी ये ब्रेथलेसनेस जो आपको हो रही है तो इसके लिए आप किस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करो जो आपको ब्रेथलेसनेस में थोड़ा हेल्प करे, तो हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तनु तिवारी हैज आस्क्ड अस, मैम मॉर्निंग में सोकर उठने के बाद टोज में बहुत पेन होता है तो क्या करना चाहिए? अगेन वो जो टोज की एक्सरसाइजेस बताई हैं वो लिम मूवमेंट्स करें आप, तो उससे जो है आपका बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी कैल्शियम वगैरह और फिर उसके बाद उसके अलावा आप जब आओगे तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो। आई कैन राइट सम मेडिसिन, नॉट अ पेन किलर, बट यस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द कॉज बिहाइंड इट इज। और जब तक हम नहीं मिल रहे हैं तब तक आप वो टो वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ द टो। गीता और कुछ पैर के टोज के दर्द के लिए? यस मैम, अगर जो टो पे जो उनको पेन आ रहा है, जैसे वो आते हैं ना टेप, आते जो हम लोग मेडिकल टेप जो होते हैं, पेपर टेप वगैरह, आप बिल्कुल जो नेल के ऊपर का जो ज्वाइंट है ना, आप उस हिस्से को और जो टो वाला ज्वाइंट नीचे बनता है उसको कवर करते हुए आप उस पर टेपिंग कर लीजिए, आपको उससे भी पेन रिलीफ होगा। अच्छा, मतलब कि अलग अलग टो पे अलग अलग टेप लगा लें? मैम पर्टिकुलर टो पे है या पूरा फुट पे है? अब इनके हिसाब से तो सारे लिखे हैं इन्होंने। अच्छा, पूरे टोज में, अगर पूरे फुट में डैमेज आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, जहाँ पे हमारी हील आके खत्म होती है नीचे सोल की तरफ, बस जहाँ हील खत्म हो रही है उस पॉइंट पे आके वहाँ पे आपको उसको प्रेस कीजिए, आपको अच्छा रिलीफ देगा। ओके, दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइसली आंसर्ड। इफ अगर थोड़ी भी एक्सरसाइज से, थोड़ी भी इन चीजों से हम पेन किलर अवॉइड कर सके तो हमारे प्रेगनेंसी पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम पेन किलर नहीं खाएंगे तो हम ये सब चीजें करने से, इसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक चीजें होती हैं,
तो ये छोटी छोटी चीजें करने से हम लोगों को काफी आराम मिलता है। एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था डॉक्टर गीता, जब मैं देख रही थी शुरू में, मैम बैक, किसी ने, शाली ने पूछा है, शाली ने पूछा था मैम बैक टेल बोन पेन के लिए क्या करें, तो आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, बैक में टेल बोन के पेन के लिए क्या करें। देखिए टेल बोन पे अगर पेन हो रहा है, इफ यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो आप आके हम लोग से डायरेक्ट फिजियो से मिलिए, क्योंकि उसमें एक टेक्निक होती है कि जिससे हम, चूंकि टेल बोन क्या होती है कि अंदर की तरफ बैंड हो रही होती है, तो हम एक फिजियो की टेक्निक है जिससे हम उस टेल बोन पे ग्लाइडिंग करते हैं, जिससे कि उसको हम वापस स्ट्रेट नॉर्मल पोजिशन पे लाते हैं। अदरवाइज आप सबसे अच्छी होती है सिड बाथ, कि आप गर्म पानी कर लीजिए, एक कप में पानी भर के आप उससे बैठ जाइए, जिससे कि उस हिस्से पे अच्छा हॉट फर्मेंटेशन हो जाए, वो भी आपको पेन रिलीफ करने में काफी हेल्प करता है। दूसरा, आप जब किसी भी हार्ड सरफेस पे या कहीं ऐसी जगह बैठ रहे हैं तो एयर रिंग आती है, वरना जो साइकिल गाड़ी की ट्यूब है या जैसे की जो ट्यूब्स आती है, आप उनको ट्यूब को रखें और उसके ऊपर बैठे, ताकि आपके टेल बोन पे प्रेशर ना आए और वो हील कर सके। बिल्कुल ठीक, तो इससे भी अगर हमारा पेन किलर अवॉइड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़े टाइम में ये जब प्रेशर और हमारा प्रेगनेंसी वाला टाइम निकलेगा तो हम लोग बैक अपनी एक्टिविटी पे आ जाएंगे। तो ये एक्सरसाइजेस ना ही प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है, बट इवन आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी, इवन आफ्टर अ सिजेरियन डिलीवरी, आपको बैक में बैक लाने के लिए, आपको बैक टू वर्क लाने के लिए, बैक टू योर नॉर्मल बॉडी लाने के लिए आपको बहुत हेल्प करती है। तो अभी से करना शुरू करें, चाहे किस भी ट्राइमेस्टर में आप हैं, तो आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करेंगी, ठीक है ना। तो नाउ मेरे ख्याल से हमने सारी बातें कर ली हैं, हमने क्वेश्चंस भी सारे अटेंड कर लिए हैं। अब जितने लोग हमें ज्वाइन करे हैं, दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ओनली देन दे हैव ज्वाइन, दे हैव टेकन आउट देयर टाइम, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, दे हैव लर्न फ्रॉम अस, सो द पर्पस इज सॉल्व। Now I would like to thank all of you. Vivek, if you want to say something, then we will wind off. There's a small video on stem cells, ma'am. There's a 2-minute video and then we can wind off, ma'am. Okay. Just putting the video on screen. And the stem cell banking is ऐसा चीज है जिसको एक तरीके से हम लोग बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस जैसा समझते हैं, और इसमें जो हमारा वेस्ट होता है दैट इज टेकन एट द टाइम ऑफ योर डिलीवरी, और उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, और उसके बाद फिर वो यूज करा जा सकता है टू कवर सम डिजीजेस। वो इस वीडियो से आपको पता लगेगा, इसके बारे में आप देखें जरूर से। Every girl dreams of becoming a mother, and nothing can be more fulfilling. Becoming parents is the most exciting thing for Ranga than me, and we're eagerly looking forward to it. So when our gynecologist told us about stem cell banking, like a lot of people, even we did not know too much about it, and started doing our own research and realized how important it is for us to bank the stem cells of our child, as it ensures the protection of our little one against many future illnesses. After doing our research, we chose to bank our child's stem cells with LifeCell International, as they have been in this space for 14 years and are the biggest and the best. Knowing that over 3 lakh parents have banked their child's stem cells with them, it was completely reassuring for us. What impressed us the most was their community banking program, which we did not find anywhere, as it ensures every member has a 96% chance of finding a stem cell match. LifeCell also covers the transplant surgery cost up to 20 lakhs and transports the stem cells free of cost to any hospital in the world. The program not only covers our child, but also younger than me and both our respective set of parents. And hey, who knows, if there's a sibling on the way, that one's covered too. The LifeCell representative gave me the stem cell collection kit. Now the best thing about this is that it is so small and convenient that we can carry it along with us for the delivery. We've secured our child's future by preserving the stem cells with the LifeCell Community Banking Program. What about you?
Give your child this precious gift with LifeCell. Thank you, ma'am. That is it. That's very nice. And I would like all of you to think about exercises also and stem cell banking also. I thank you, Dr. Geeta. I thank you, Vivek, for this support which you have given us to connect with our patients. Thank you so much. Thank you, doctor. Let's leave.